दोस्तों, आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मजमून आपको काफी हद तक तो पता ही होगा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ भी कहना पड़ रहा है कि लगता है दिल्ली के अंदर कानून का शासन नहीं है। यहां संविधान के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब शपथ ली थी तो संविधान के हिसाब से बिना राग द्वेष के काम करने की शपथ उन्होंने ली थी कि संविधान का पालन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस कमिश्नर साहब को भी ऐसी ही शपथ दिलाई गई होगी जब उन्होंने इस नौकरी में पहली बार पद संभाला होगा। लेकिन पिछले चार दिनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से कानून का दिल्ली के अंदर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, अवमानना हो रही है संविधान की। कानून के मुताबिक हर आदमी बराबर है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री हो, कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन पिछले चार दिनों में आपने देखा कि मुख्य सचिव साहब की सिर्फ ओरल कंप्लेन, जिसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उनकी बात है और उस बात को करोबरेट करने के लिए कोई दूसरा एविडेंस नहीं है, कोई दूसरा विटनेस नहीं है। उसके आधार पे हमारे दो विधायकों को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली सचिवालय के अंदर जहां पे 250 लोगों के मॉब ने बाकायदा जिनको प्रवोक किया गया, एक मेकशिफ्ट स्टेज बना के भड़काऊ भाषण दिए गए और वो सारे के सारा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन, उनके पीएस हिमांशु, उनके एक साथी आत्मप्रकाश को बाकायदा कैमरे के सामने पीटा गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। उसके अलावा डीडीसी के चेयरमैन आशीष खेतान, उनके पीएस साहिल अरोड़ा, उनको भी पीटा गया, उनके 7 बार पीट की गई, धक्का मुक्की की गई, इसका भी वीडियो साक्ष्य अवेलेबल है। सचिवालय में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर दिल्ली पुलिस को या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अगर और भी जरूरत है तो वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कानून और संविधान की शपथ लेते हैं वो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के बयान पर हमारे दो विधायकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मंत्री महोदय के साथ मारपीट हुई, उनके अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, उनके सहयोगियों के साथ मारपीट हुई, आशीष खेतान के साथ मारपीट हुई, जिसका वीडियो साक्ष्य अवेलेबल है, उनके खिलाफ, उनमें से अभी तक किसी आदमी की पहचान नहीं की गई, किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं, किसी का नाम नहीं आया अभी तक। तो यह सवाल खड़ा होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देश के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं या दरअसल उनके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं और दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। उनकी उनका जो पूरा समर्पण है वो संविधान के प्रति नहीं है, दरअसल वो संविधान के द्रोही की तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या उनको अपने पद पर रहना चाहिए, यह सवाल आज है। हम आपके सामने दिल्ली पुलिस की मदद के लिए हम आपको वीडियो दोबारा दिखा रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की पहचान की गई है कि कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की और जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। जरा वीडियो चला गया। LDC जी जी जवाब।
उसका पहचान में आ रहा है, नाम उसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन आराम से पता किया जा सकता है। ये भी आप चेहरा देख रहे हैं, मंत्री महोदय के साथ संदीप सुहाग, मैन हु किड एंड स्लैप्ड मिनिस्टर। हमने आप पहले भी उसका नाम बताया। साहिल सैनी, सॉरी, सुपरिटेंडेंट के पद पर है। एक और अननोन चेहरा, हिमांशु, उनके साथ बाकायदा पिटाई की गई। कल हमने आपको विजुअल भी कल दिखाया था किस तरीके से उसकी पीठ पर चोट के निशान अभी तक मौजूद है और उसकी एजेंसी भी हमारे पास। सोनू, एआर डिपार्टमेंट। परमार, इमरान के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई। तो दोस्तों, और अगर आप पैटर्न देखिए, ठीक 11 बजे ये खबर मीडिया में आती है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मारपीट हुई, ठीक 12 बजे आईएएस एसोसिएशन, दूसरे एसोसिएशन का बयान आना शुरू हो जाता है, टीवी चैनल्स पर उनकी बाइट चलनी शुरू हो जाती है, इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, आदमी जब चोरी भी करता है तो वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है। कातिल हमेशा सोचता है कि उसने कोई परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन पकड़ा जाता है। ये जो चीफ सेक्रेटरी महोदय की जो ये एमएलसी है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एसॉल्ट After 12, मतलब यह भी नहीं लिखा हुआ कि 12:01 पर, यानी आधी रात के बाद उनके ऊपर असॉल्ट हुआ। और जो सीसीटीवी कैमरा जो मुख्यमंत्री जी के घर पे लगा हुआ है, उसमें इनके निकलने का टाइम 11:30 का है। तो चोट उनको लगी है, बता रहे हैं कि 12 बजे के बाद, मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब को समय का भी अंदाजा नहीं, और डेफिनेट टाइम होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को तो पता होना चाहिए कितने बजे का हुआ। आफ्टर 12 यानी सुबह 6 बजे भी हो सकती है, रात के 3 बजे भी हो सकती, 2 बजे भी हो सकती, 1 बजे भी हो सकती, 1:30 बजे भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि कल जब हमने ये सवाल खड़ा किया कि भाई एमएलसी जो अचानक आई है 3 दिन के बाद, इसका क्या मतलब है, तो आनंद फानंद में इसको बनाने का काम किया गया है, ये मेरा आरोप है। आनंद फानंद में, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला हुआ ही नहीं, किसी ने उनके साथ मारपीट की नहीं, तो ये एमएलसी कहां से बनी। मैंने कल भी कहा था कि अगर चोट के निशान अगर उनके ऊपर है तो उसका मतलब यह तो नहीं है किसी फला आदमी ने उनको पीटा। मैंने कल भी कहा था, हो सकता है बाथरूम में गिर गए, हो सकता है घर गए वहां उनकी पिटाई हो गई हो। तो ये जो पूरा नाटक है,
पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो विवेकानंद फाउंडेशन में काम कर चुके हैं, जो आरएसएस का संगठन है, और बैजल साहब के जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध है वो सर्वविदित है, वो संविधान के हिसाब से दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, न करने दे रहे लोगों को। दिल्ली की पुलिस भी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा अगर कानून के हिसाब से काम होता तो अगर चीफ सेक्रेटरी के शिकायत पर अगर गिरफ्तारी दो एमएलए की हुई है तो हमारे दो विधायकों ने एससी एसटी एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का जो आरोप चीफ सेक्रेटरी साहब के खिलाफ लगाया है तो चीफ सेक्रेटरी साहब की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने इमरान हुसैन और आशीष खेतान और उनके साथियों पर हमला किया है अब तक उनकी पहचान होनी चाहिए क्योंकि उसके वीडियो साक्ष्य हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये सब लोग गुंडों की तरीके से घूम रहे हैं। और अभी एक और जानकारी मुझे मिली है किस तरीके से दिल्ली में पुलिस काम कर रही है। राजनाथ जी के घर पर प्रदर्शन करने के लिए हमारे जो दलित विधायक हैं, एससी कैटेगरी के जो विधायक हैं, माफ करिएगा, दलित विधायक हैं, वो जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, उनको वहां प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, मीडिया उनसे बात नहीं करने दिया गया, उनको गाड़ी में बैठा के फौरन भेज दिया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया जी के घर पे पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही, उनको प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा उकसा रही। तो पूरा षड्यंत्र है दिल्ली की सरकार को डिस्टर्बलाइज करने के लिए। बाकी मैं संजय भाई से कहूंगा। देखिए कल भी मैंने कहा था कि किस तरह से दिल्ली में एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश लगातार शुरू से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती रही है, और जितनी बातें आशुतोष जी ने बताई ये सारी बातें उन बातों का उदाहरण है। छोटी बातों को बहुत बड़ा करके दिखाना और ऐसा दिखाना कि भाई इतना बड़ा अपराध हो गया है कि इनको तो तुरंत अभी फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि राशन के मुद्दे पर बहस हुई और बहस होने के बाद मीटिंग छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसको मारपीट की घटना दिखाया जा रहा है, और जब हमने सवाल किया कि भाई अगर मारपीट हुई थी तो रात में ही आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, तो आनन फानन में सारा कुछ एक गंभीर और बहुत बड़ा अपराध बनाने के लिए ये एमएलसी कराई गई जिसमें कहा गया कि 12 बजे रात के बाद उनके साथ ये घटना हुई है जिसमें उनको चोट लगी है, और जो सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है कि 11:30 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब वहां से निकल चुके थे। तो मेरा सवाल यह है कि ये घाव कैसे बनाए गए, ये चोटें कहां से आई, इसका खुलासा चीफ सेक्रेटरी साहब को करना चाहिए। आप झूठ के आधार पर, गलत रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, विधायकों को, उनको फंसाने की साजिश क्यों कर रहे हैं? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हैं? ये एक मेरा सवाल है। दूसरी बात, रात की घटना हुई, सुबह तक एफआईआर नहीं कराई गई, 24 घंटे तक एफआईआर नहीं कराई गई, ये एक अलग विषय है। आपकी सचिवालय के अंदर आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी जिनके साथ आप मीटिंग करते हैं, उनको उकसाते हैं, वो मंत्रियों पे हमला करते हैं, वो हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन पे हमला करते हैं, उनके सहयोगियों पे हमला करते हैं, मारते हैं, उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है और लोगों की पहचान भी हो गई है। ये वीडियो में हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई कौन व्यक्ति क्या नाम का है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या ये लगता नहीं कि दोहरा रवैया है दिल्ली पुलिस का? क्या ये लगता नहीं कि एलजी साहब का दोहरा रवैया है, केंद्र की सरकार का दोहरा रवैया है, गृह मंत्री जी का दोहरा रवैया है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया है? क्या अपराध को दो चश्मे से देखा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सरकार को गिरा दो, इस सरकार को बर्खास्त कर दो, एलजी साहब ने इतनी गंभीर रिपोर्ट भेज दी, आप मुझे जरा बताइए उन राज्यों में जहां इंसान को जिंदा जला दिया जा रहा है गला काट के, वहां के राज्यपाल
किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की रिपोर्ट नहीं भेजता। जहां न्यायालय के ऊपर, राजस्थान के अंदर न्यायालय में भगवा झंडा फहरा दिया जाता है, जहां पहलू खान को पीट के मार दिया जाता है, वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं है। जहां एक आईपीएस महिला अधिकारी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विधायक बदसलूकी करता है तो वो महिला रोने लगती है। जहां 40 दिन तक सहारनपुर में दंगे फसाद जातीय संघर्ष चलता है, उन स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, जहां दलित का पैर लगने से इलाहाबाद में उसको रॉड से पीट के मार दिया जाता है, वहां कोई ब्रेकडाउन नहीं है। दिल्ली में एक मुख्य सचिव जी के बयान के आधार पर आप ब्रेकडाउन की स्थिति की रिपोर्ट भेज दे रहे हैं। एलजी साहब, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप दिल्ली सरकार को फूटी आंख से नहीं देखना चाहती है केंद्र की सरकार, और केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहती है, गिराना चाहती है। पहले दिन से उनकी कोशिश है, यही तो हम कह रहे हैं। और उसी कोशिश के लिए दो रवैया अपनाया जा रहा है, अपराध को दो तरीके से देखा जा रहा है। कल हम लोगों ने अपने साथियों की और उनके शरीर पे जो निशान थे उसको भी दिखाया, उनके पीठ पर जो निशान थे, हिमांशु को जिस तरीके से मारा गया, तीन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट है। यहां तो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी साहब की 12 बजे के बाद की रिपोर्ट ऐसी बनाई गई है जिसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये तीन, ये आत्मप्रकाश की एमएलसी रिपोर्ट है जो मिनिस्टर के साथ रहते हैं जिनको मारा गया, ये हिमांशु की एमएलसी रिपोर्ट है जो इमरान हुसैन के साथ रहते हैं जिनको मारा गया, ये साहिल अरोड़ा की एमएलसी रिपोर्ट है जो आशीष खेतान जी के साथ रहते हैं जिनको मारा गया। इधर तीन तीन एमएलसी की रिपोर्ट है, तीन तीन एमएलसी की रिपोर्ट है, वीडियो की फुटेज है, नामों को पहचान लिया गया है, उन चेहरों को पहचान लिया गया है, सारा साक्ष्य मौजूद है। एक गिरफ्तारी नहीं हुई, हमारे दो दो विधायकों को उठा के अंदर डाल दिया। पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सा इतना बड़ा हमने कोई अपराध कर दिया, राशन का सवाल पूछ के, कि अब इन लोगों की तो सरकार बिल्कुल चलनी नहीं चाहिए, 11 विधायकों से पूछताछ होनी चाहिए, मुख्यमंत्री से भी होनी चाहिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से भी होनी चाहिए, सब कुछ बर्बाद कर डालो इनका। और बीजेपी भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। उत्तराखंड में जब इनकी सरकार बर्खास्त हुई तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए कि हमें मानते हैं कि चुनी हुई सरकारों को इस तरह से बर्खास्त किया जाना गलत है। और आज वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गोदी में खेल रही है, उनकी गोद में खेल रही है, बीजेपी के उनके इशारे पर काम कर रही है, अजय माकन उनके कहने पर चल रहा है। ये एक खुली तस्वीर है कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां मिलकर, इनका एक मकसद है किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को चलने नहीं देना।